अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप सब लोग के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन अंगारा। तो चलिए बनाती हूँ चिकन अंगारा। चिकन अंगारा के लिए 1 kg आपको चिकन लेना है, 250 ग्राम आपको दही लेना है, ठीक है। लहसुन अदरक का 2 बड़े चम्मच पेस्ट लेना है, 1 tablespoon चाट मसाला, 3 tablespoon रेड चिली पाउडर, 3 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 tablespoon आपको गरम मसाला लेना है और 1/2 tablespoon आपको मटन मसाला लेना है, ठीक है। 3 आपको बड़े साइज की प्याज लेनी है और 5 आपको मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं रेडी, जो जो हमें चाहिए चिकन अंगारा के लिए। अब बढ़ते हैं आगे रेसिपी की। ये जो हमने प्याज ली है और टमाटर लिए, इसको हम चॉप कर देंगे। तो अब हम कर रहे हैं चिकन को मैरिनेट। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने आपको दिखाए थे सारे ऐड कर देंगे। दही डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों ही हमने ऐड किए थे, गरम मसाला भी और चिकन पाउडर, और मैरिनेट कर देंगे 1 hour के लिए। अब अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1 hour के लिए। उसके बाद फिर हम आगे रेडी करेंगे चिकन अंगारे की रेसिपी, आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हम चॉपिंग के लिए हमने इसमें टमाटर और जो भी प्याज लिए थे उसको डाल दिया है, इसको चॉप करके रख देंगे जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइज, ये है कलर जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। कलर डालने के बाद चिकन अंगारा का बहुत ही अच्छा एक अलग सा लुक आ जाता है। तो ये हमने बहुत अच्छे से कर दिया है चिकन को मैरिनेट। अब इसको रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जितने टाइम के लिए चिकन को मैरिनेट के लिए रखते हैं, उतना ही चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको 2 से 3 घंटे तो कम से कम चिकन को रखिए मैरिनेशन के लिए। तो गाइस, ये हो गए हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से चॉप। आपको भी इसी तरह से चॉप कर लेना है। तो गाइस, हमने कलर डाल दिया था, मैरिनेट कर दिया था। अब हम लास्ट में इसमें मिक्स कर देंगे सॉल्ट और फिर इसको थोड़ी देर के लिए और रख देंगे लास्ट 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम रेडी करेंगे। चॉपिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो गाइस, हमने कढ़ाई रख दी है, हमारी गर्म हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे हमने यहाँ पर डाला है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड यूज कर रहे हैं हम। जो हमने चॉप की थी हमें सारे डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत हल्का सा करना है गाइस, ट्रांसपेरेंट जैसे कि अनियन होती है फ्राई करते टाइम, बस इतना ही रखना है अनियन को। बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। अब हम इसमें टमाटोज जो हमने कट किए थे वो ऐड कर देंगे सारे। चिकन अंगारा में हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, बहुत हल्का सा लाइट करना होता है, बस ट्रांसपेरेंट रहे। टमाटर को हमें जो है वो अच्छी तरीके से गलाना है। कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से गल जाए, क्योंकि कवर करने के बाद आसानी से टमाटर गल जाते हैं गाइस स्टीम से। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। स्लो को आपको मीडियम रखना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। चलो गाइस, टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। जो मैरिनेट चिकन था हमारा, उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यह है अंगारा चिकन। प्याज टमाटर गल गए थे, उसमें हमने चिकन डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 cup दूध। डालिए भाभी जी, 1 cup दूध डाल देंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे जब तक ये गल ना जाए। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको कर देना है और ये मध्य मध्य स्लो 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 बनता रहेगा। जितनी देर पकेगा उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। गाइस, इसको आपको चलाते रहना है हल्के हल्के और बहुत अच्छी तरह से। गाइस, चिकन को आपको इसी तरह से भूनना है, बीच बीच में चलाते रहना है हल्के हल्के, ताकि चिकन के पीस टूटे ना। और ये तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा चिकन अच्छे से भून गया।
और यहाँ पे हमने एक कोल लिया है, उसको इस तरीके से गरम करना है। कोल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम दिखाते हैं आगे। इम्पोर्टेंट है गाइस, यहाँ पे जो हमने कोल गरम किया हुआ है इससे टेस्ट हमारा बहुत इनहेंस हो जाएगा हमारा चिकन अंगारे का। यहाँ पर हम कोल को पूरी तरीके से चला रहे हैं ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें। और यहाँ पे चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा चिकन हो गया है रेडी। तो लास्ट हमारा जो रह गया है वो हम दिखाते हैं। हमारी देखिए कितनी अच्छी फॉइल पेपर की कटोरी हमने रेडी कर ली है, बटर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम रख देंगे बिल्कुल ऐसे, आप बीच में रख दीजिए या साइड में भी रख सकते हैं, बस इसका फ्लेवर आना चाहिए अंदर चिकन के। आपको तुरंत डालना है कोल और तुरंत ही इसको कवर कर देना है ताकि अच्छे से स्मोक अंदर चला जाए चिकन के प्रॉपरली। और फ्लेम आपको ऑफ कर देना और इसको खोलेंगे हम 2 मिनट्स में आप इसको कवर कर सकते हैं।